अरे फिसल गया, ये तूने क्या किया। ऐसे बोलने की बारी आएगी मेरी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, जैसा कि अभी हम है हमारे गेस्ट हाउस के यहाँ, आप देख सकते हो पीछे। और ना मेरी तबीयत थोड़ी खराब है क्योंकि ना बारिश में भीगने की वजह से प्रॉब्लम आ चुकी है, इसलिए सर्दी वगैरह हो चुकी है। और अभी मैं हूँ, आप देख सकते हो, हमारे कॉलेज के बाहर जो गेस्ट हाउस है ना, वहाँ पर हूँ। और अभी मेरे साथ है श्रीनिवास, जो कि अभी फोटोग्राफी कर रहा है मस्त, उसे भी फोटोग्राफी करने का पैशन है। और आज का जो वीडियो है ना हमारा, वो होने वाला है हमारे कॉलेज के जो प्लेग्राउंड है ना, वहाँ पर जाएंगे हम और आपको दिखाएंगे। तो चलिए अभी चलते हैं। जस्ट हम अभी आ चुके हैं यहाँ पर और बहुत तेज बारिश हो रही थी। श्रीनिवास चलते क्या? लेट्स गो गाइस। तो अभी गाइस आप देख सकते हो हम आ चुके हैं गर्ल्स हॉस्टल। जाने का जो रास्ता है ना, जो हमारा प्लेग्राउंड है ना, वो वहाँ है। मतलब गर्ल्स हॉस्टल के बाजू में एक ग्राउंड है, तो चलते हैं वहाँ पर। और ना यहाँ का नेचर देखो एक बार, मतलब कि बीच रास्ते में सड़क और बाजू में पूरा ग्रीन ग्रीन, बहुत मस्त लग रहा है। और ये है बाजू में IOP, जो कि आपको पता ही होगा यहाँ का पेट्रोकेमिकल का कॉलेज है। तो चलते हैं अभी, और सचमुच नेचर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। बाजू में पूरा मतलब पानी भर चुका है। बारिश में यहाँ पर घूमने का बहुत मजा आ रहा है, पर उतना ज्यादा रिस्क भी है। सो गाइस, अभी ये सामने की तरफ ये जो रास्ता दिख रहा है ना, ये जो रास्ता है ना, वो हमारे सीधे कॉलेज से कनेक्ट होता है, जो कि यहाँ के जो गर्ल्स है ना, यहाँ पर आ जाती है सीधा। यहाँ सामने की तरफ है गर्ल्स हॉस्टल, और मुझे लगता है आज यहाँ पर लोग आ चुके हैं ग्राउंड के इधर। गाड़ियाँ वगैरह दिख रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। भाई कैसा लग रहा है? एकदम मौसम मस्ताना लग रहा है, बस कमी है तो कुछ एक कप चाय और थोड़े से समोसे या पकौड़ों की। जब देखो तब खाने की ही बात करता है ये। सो अभी गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं ग्राउंड के यहाँ, आप देख सकते हो पीछे की तरफ है ग्राउंड। तो गाइस आते ही हमारा स्वागत देखो किससे हो चुका है, मतलब कीचड़ ही कीचड़ है यहाँ पर। और सामने की तरफ है ग्राउंड और आगे की तरफ भी थोड़ा सा पार्ट है ग्राउंड का। तो चलते हैं वहाँ पर। ये सामने जो आप देख रहे हैं काला सा, वो टेम्परेरी हेलीपैड बनाया है। टेम्परेरी हेलीपैड है यहाँ पर, तो चलते हैं वहाँ पर। तो अभी गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पर। मतलब यहाँ पर ना बारिश का मौसम चालू है ना, इसलिए बहुत सारा कीचड़ है। तो चलते हैं अभी सामने, और ना सबसे पहले ना हेलीपैड देखेंगे, क्योंकि मैं जब आया था ना इधर पहली बार, तब हेलीपैड नहीं था। तो अभी देखते हैं। मैंने भी यहाँ पर ना जूते पहने, देख सकते हो आप जूते पहने, इसलिए मुझे भी थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो अभी गाइस आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ यहाँ के हेलीपैड के यहाँ। अभी ये जो हेलीपैड है ना, वो एकदम सिंपल और टेम्परेरी बनाया है। मुझे नहीं लगता ये हेवी हेलीकॉप्टर को झेल पाएगा। तेरा हेलीकॉप्टर कब आने वाला है फिर? सही में लगता है कि मैं हेलीकॉप्टर लेके आऊंगा तुझे यहाँ पे। आएगा ना भाई। तो कुछ ऐसा यहाँ का हेलीपैड है। तो अभी चलते हैं सामने की तरफ, जो हमारा ग्राउंड है ना वो है। और ये जो है ना, ये जगह हेलीपैड के लिए है। तो अभी चलते हैं सामने। और ना एक बार बादल देखो यार, कितने मस्त लग रहे हैं। और वहाँ पर है हेलीपैड, और यहाँ पर सामने की तरफ है ग्राउंड, जो कि हमें यहाँ पर स्टूडेंट भी नजर आ रहे हैं। लगता है वहाँ पर कौन सा तो गेम चालू है, क्रिकेट चालू है आई थिंक। तो चलते हैं वहाँ पर। अब यार कीचड़ कितना है यार यहाँ पर। तो अभी गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे ग्राउंड के यहाँ, आप मेरे पीछे देख ही सकते हो। और ना ये ग्राउंड मैंने जब देखा था ना, मुझे ना एक्सपेक्ट ही नहीं हो रहा कि इतना बड़ा ग्राउंड है। आप देख सकते हो बहुत बड़ा ग्राउंड है यार, यहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर खत्म होता है, ऐसे दिख रहा होगा बहुत दूर तक है। तो अभी हम वहाँ तक तो नहीं जा सकते क्योंकि बीच में बहुत कीचड़ वगैरह है। तो अभी यहाँ पर टाइम लैप्स वगैरह निकालते हैं और उसके बाद चलते हैं अपने हॉस्टल वापस। और ना एक बार नजारा देखो यहाँ का, एक नंबर नजारा है यार। और यहाँ पर पहाड़ के ऊपर आपको फॉक्स वगैरह दिख रहे होंगे। तो अभी गाइज आपको जो मेरे पीछे सब कुछ दिख रहा है ना, पहाड़ ग्राउंड्स वगैरह, वो सब ना D2 कॉलेज के अंडर आता है। और कॉलेज का जो कैंपस है ना, वो 550 एकड़ में है। ये पहाड़ से लेकर वो पहाड़ दिख रहा है ना आपको, वहाँ तक सब ये जो जगह है ना, वो सब D2 कॉलेज के अंडर आती है, जो कि सचमुच बहुत बड़ा कैंपस है कॉलेज का। पर यहाँ पर ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, बस कैंपस अभी अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है। सब सामने की तरफ ना क्रिकेट का मैच चालू है, तो वो देखते हैं थोड़ा सा और वापस चलते हैं। तो गाइज अभी यहाँ पर सब कुछ शूटिंग वगैरह लेकर हो चुके हैं। तो अभी मैं और श्रीनिवास यहाँ से चलते हैं वापस। और ना यहाँ से पहाड़ की तरफ इतना अच्छा व्यू आता है ना, मतलब कि वहाँ पर यहाँ से तो सनसेट हो रहा है अभी। और ये भी यहाँ का एक पहाड़ है। टीवी पे देखते आ रहे डिस्कवरी चैनल पे मैन वर्सेस वाइल्ड बियर का प्रोग्राम, आपको पता ही होगा। लेकिन आज हम एक्चुअली उसे फील कर रहे हैं, इतना एडवेंचरस जर्नी रहा है हमारा। क्यों सारे सही ना? सही है भाई, मैं तो वहाँ पर गिरते गिरते बच गया। अभी गाइस फाइनली आ चुके हैं यहाँ पर, रोड के साइड है ना, यहाँ पर आ चुके हैं हम। हेलीपैड और ग्राउंड है ना आपको पीछे की तरफ दिखाई दे रहा होगा। तो अभी चलते हैं यहाँ से वापस। और जो बारिश थी ना, वो पूरी तरीके से जा चुकी है, तो मुझे नहीं लगता अभी एक आध घंटा बारिश आएगी। तो अभी चलते हैं। और ये देखो गाइस, यहाँ पर हमने वीडियो स्टार्ट की थी गेस्ट हाउस के बाहर, अभी आ चुके हैं यहाँ पर।
तो अभी गाइस फाइनली आप देख सकते हो हम आ चुके हैं हमारे हॉस्टल वापस, और अभी इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बारिश थी ना, मतलब वहाँ पर कीचड़ था ना, इसलिए ग्राउंड ठीक से हम दिखा नहीं पाए। तो अगर देखते अगर वहाँ पर ड्राई हो जाता है तो जाएंगे कभी। तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भले अभी बाहर फिसल जाता अभी।